अस्सलामुअलैकुम, मेन्यू मील की तरफ से अर्जुमन मंसूर आपको खुश आमदेद कहती है। आज हमारे किचन में आपके लिए बहुत ही मशहूर है और लोग बहुत शौक से खाते हैं, जिसे हम कहते हैं ढाबे वाली माश की मसालेदार दाल। तो ये मुझसे फरमाइश की थी मेरी भावज ने और काफी दिन पहले की थी। मैंने सोचा जब आज मैं उनके लिए इस फरमाइश को पूरा कर दूं, क्योंकि बकरीद के बाद कुछ अलग चीजें खाने को दिल चाह रहा होता है, तो मैंने सोचा कि इस दाल को मैं आज सिखाती हूँ। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मजेदार बनती है ये दाल। तो ये मेरे पास आधा किलो दाल थी जिसे मैंने भिगोने के बाद बॉइल कर लिया है। ये तक फुल डन नहीं है दाल, जरा सी इसमें कसर मौजूद है। इसके साथ ही ये मेरे पास चार प्याज थी जिन्हें मैंने कट करके रखा हुआ है। इसके साथ मेरे पास 6 से 7 टमाटर थे, ये छोटे टमाटर थे मेरे पास 7 जो मैंने काट के रखे हुए हैं। आपको अगर आपके पास बड़े हो तो 5 टमाटर काफी होते हैं, मेरे पास 7-8 हैं ये छोटे टमाटर जो मैंने काटे हुए हैं। साथ ही मेरे पास सुर्ख मिर्च है, यानी लाल मिर्च का पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। ये मेरे पास जो है गरम मसाला है जिसमें 3 से 4 जो है काली मिर्चें हैं, 3-4 ही मेरे पास लौंगे हैं, 1 स्टिक जो है वो दालचीनी की है और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास जीरा है, जो सफेद जीरा होता है वो जीरा है। इसके साथ मेरे पास जो है ये 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून जो है मेरे पास धनिया पाउडर है और 2 ही टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ, ये आप देख रहे हैं, अदरक और लहसुन है। अच्छा, तेल मैं लूंगी तकरीबन 1 कप और आइए अब हम दाल को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप के करीब मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया है। इसके साथ ही ये जो मैंने आपको गरम मसाला बताया था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब जब जरा सा गरम मसाले का अरोमा तेल में शामिल होता है तो मैं साथ ही इसके अंदर जो है ये प्याज जितनी मैंने आपको दिखाई है ये शामिल कर दूंगी। ये देखिए प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब प्याज को मैं फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये प्याज जो है तकरीबन शैलो फ्राई से थोड़ी ज़्यादा है मगर पूरी ब्राउन नहीं हुई है। इस मौके पर मैं इसमें ये अदरक लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था वो शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके पहले मैं इसमें जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो टमाटर शामिल करूँगी। देखिए जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे अदरक लहसुन के साथ ही वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब ज़रा जब टमाटर नरम पड़ जाएंगे तो फिर बकिया मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मसाला तैयार हो रहा है। अब ज़रा ये टमाटर ये देख रहे हैं आपके थोड़े थोड़े नरम पड़ना शुरू हो गए हैं, ये ग्रेवी सी बन रही है। ये थोड़े और नरम पड़ेंगे तो मैं इसमें तमाम मसाला जो बकिया है, हल्दी, मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्च, वो शामिल करूँगी। ये देखिए टमाटर नरम पड़ना शुरू हो गए हैं तो इस मौके पर ये मैंने जो लाल मिर्चें आपको दिखाई थी मैंने वो शामिल कर दी हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, साथ ही ये मेरे पास जो मौजूद था धनिया वो मैंने शामिल कर दिया है और इसके साथ ही मेरे पास जो हल्दी थी वो भी मैंने इस मौके पर शामिल कर दी। अच्छा, इसी मौके पर मैं इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल करूँगी। आप भी इस मौके पर इसमें जो है नमक शामिल कर दीजिएगा जितना आप खाना चाहें। मैं अपने ज़ायके के हिसाब से इस पर नमक शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक शामिल किया है, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अच्छी तरीके से और थोड़े से टमाटर नरम पड़ेंगे तो मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप कि मसाला इतना भून चुका है, टमाटर काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है नरम पड़ चुके हैं। अब ये थोड़ी देर ये मसाला जो है ये दाल के साथ बनेगा तो इस मौके पर मैं इसमें ये दाल शामिल कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से इसको ये देखिए ये मिक्स कीजिए और फिर इसको दम पे रख दीजिए। फिर इसका अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि बाजार की दाल आपको इतनी मज़ेदार क्यों लगती है। 4-5 मिनट तक मैं इसे ढककर दम पे बनाऊंगी ताकि तमाम मसाला जो है दाल के साथ यकजान हो जाए। अच्छा, ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये दाल आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो बाजार की दाल जैसा आप कहते हैं कैसे भी बना लो पर घर में मज़ा नहीं आता। ये देखिए वहाँ पे भी ये दाल इस तरह तैयार उनके पास रखी होती है और आप जब मांगते हैं तो वो आपकी प्लेट में इस तरह उनके पास बघार तैयार होता है जो वो लगा के आपको देते हैं। ये मैंने प्याज डाल दिए इसमें
ये आप देख रहे होंगे, ये एक टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून जो है मेरे पास जो है पिसा हुआ गरम मसाला है। अच्छा, ये साथ ही ये जो प्याज लाल हो रही है इसके अंदर मैंने ये अदरक भी शामिल कर दी है, क्योंकि माश की दाल है। इसके साथ आप कच्ची अदरक डालना चाहें तो कच्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये फ्राई करके डाल रही हूँ। जूलियन आप इसकी कटिंग कर लीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए साथ में। इसके साथ ही ये देखिए, ये जो हरी मिर्चें हैं ये मैंने इसमें डाल दी हैं, ये फ्राई हो जाएंगी थोड़ी सी। बहुत फ्राई मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा तो इसमें ना इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। इस मौके पे जो मक्खन या असली घी डालना चाहें, मैं तो तेल से ही कर रही हूँ, वो मक्खन या असली घी का भी इस टाइम पे बघार लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, आपके सामने आ रहा होगा प्याज हो गई है थोड़ी सी, इस पे भी कलर, हरी मिर्च पे भी आप देख रहे हैं हल्का सा कलर आ गया। अब देखिए, इस मौके पर ये मैंने इसमें ये मसाला जो मैंने आपको बताया था कि वही लाल मिर्चें हैं और गरम मसाला है, ये मैंने घुमाया और उतारा और ये आपके सामने ये डाल, इसको ये मैंने इसमें हल्के से मिक्स किया। बस ये है उनकी मेन टिप जो आप लोगों को, आप कहते हैं ना मैं फ्राई दाल जबरदस्त मजेदार, तो वो इस तरह आपको फ्राई करके देते हैं जो बहुत ही मजे की लगती है। और इस पे डालिए हरा धनिया, ये देखिए ये मैंने, तो अगर ये आप बनाइए मेरे स्टाइल से अपने किचन के अंदर, यकीनन आपको वही जायका आएगा जो आप ढाबे पे जाके मसाले वाली माश की दाल खाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप जब भी बनाएंगे मुझे ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत जायकेदार बनती है। तो अपने किचन में मेरे अंदाज में बनाइए और फिर मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी तरह कोई जायकेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।